हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, इंडस टावर्स की ओर से मार्च क्वार्टर के फिनेंशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। स्टैंडअलोन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर देखिएगा तो कोई भी डिविडेंड इस बार जो है डिक्लेयर नहीं किया गया। अब हम लोग चलते हैं कंपनी के फिनेंशियल रिजल्ट्स, जो कि पहले हम लोग कंसोलिडेटेड फिनेंशियल रिजल्ट्स को कवर करेंगे। मिलियंस में नंबर्स दिए गए। इनकम की अगर बात करें तो यहाँ पे कंपनी का इनकम है 6869 करोड़ का। पिछले क्वार्टर 6854 करोड़ था। मार्च 22 क्वार्टर 7225 करोड़ का इनकम था। इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एवरेज ग्रोथ मतलब फ्लैट देखने को मिला, उतना अच्छा ग्रोथ नहीं हुआ। फ्लैट ग्रोथ देखने को मिला, लगभग 14 करोड़ के आसपास ही ग्रोथ हुआ है। और ईयर ऑन ईयर में इनकम में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस 3306 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 5579 करोड़ था। मार्च 22 क्वार्टर में 3046 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। यहाँ पे एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में एक्सपेंसेस इंक्रीज किया है, जिसके बाद कंपनी का प्रॉफिट में गिरावट आई। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे इसका प्रॉफिट देखें बिफोर एबिटडा, तो यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट आया 3562 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1275 करोड़ था। मार्च 22 क्वार्टर में 4178 करोड़ का प्रॉफिट था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की प्रॉफिट बहुत ही शानदार ग्रोथ हुआ है। और रीजन है गाइस इसका एक्सपेंसेस, जो कि एक्सपेंसेस बहुत ही कम हुआ इसके कारण प्रॉफिट्स में तेजी आई। लेकिन ईयर ऑन ईयर में इनकम में गिरावट आया, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस भी गिरावट देखने को मिल रहा है, इसके कारण प्रॉफिट्स में उतना गिरावट देखने को मिला है। अब अगर हम बात करें कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर देखिएगा, तो कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है 1399 करोड़ का है, जबकि पिछले क्वार्टर में 708 करोड़ का लॉसेस था। और मार्च 22 क्वार्टर में 1828 करोड़ का प्रॉफिट था। तो यहाँ पे प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर में जो है बहुत ही शानदार आया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा गिरावट आई। और रीज़न यहाँ पे देखिए, पिछले क्वार्टर में लॉसेस आने का जो रीज़न था, सबसे बड़ा रीज़न अगर देखिएगा तो यहाँ पे कंपनी को लॉसेस हुआ था इसका, जो कि गाइस इसका रीज़न है यहाँ पे फिनांस कॉस्ट, फिनांस इनकम, चैरिटी एंड डोनेशन, इन सभी मतलब कि कंपनी ये सभी चीज़ें करती है, और इसके कारण कंपनी का प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा गिरावट आई और लॉसेस हुआ था पिछले क्वार्टर में। और यहाँ पे ईयर ऑन ईयर में तो गिरावट आई क्योंकि इनकम में गिरावट आया था इसके कारण, और प्लस यहाँ पे प्रॉफिट में गिरावट इसी कारण से आया है गाइस। अब हम लोग अगर बात करें कंपनी का ईपीएस का, तो यहाँ पे 5.19 रुपीज़ का पिछले क्वार्टर से तो इंक्रीज है, बट पिछले साल से बहुत ज़्यादा फॉल है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी का रिजल्ट एवरेज देखने को मिला है, उतना अच्छा रिजल्ट पेश नहीं कर पाई है। अब अगर हम लोग इसके स्टैंडअलोन रिजल्ट्स को कवर करें, नंबर मिलियंस में दिए गए। इनकम है 6868 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में 6854 करोड़ था। मार्च 22 क्वार्टर में 7220 करोड़ का इनकम था। इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एवरेज ग्रोथ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिल रहा है। एक्सपेंस है 3306 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 5579 करोड़ था। मार्च 22 क्वार्टर में 3053 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। एक्सपेंसेस भी यहाँ डाउन हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, लेकिन यहाँ पर अगर देखिएगा तो ईयर ऑन ईयर में एक्सपेंसेस बढ़ा है, जबकि इनकम में गिरावट आई, जिसके कारण प्रॉफिट्स में और भी ज़्यादा गिरावट आया है, जो कि इस बार का प्रॉफिट अगर देखें तो 1399 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 707 करोड़ का लॉस था। मार्च 22 क्वार्टर में 1817 करोड़ का प्रॉफिट था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में प्रॉफिट बहुत ही शानदार है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, क्योंकि कंपनी का इनकम गिरावट आया और एक्सपेंसेस इंक्रीज किया, जिसके कारण कंपनी का प्रॉफिट में गिरावट आई। ईपीएस है 5.19 रुपीज़ का। पिछले क्वार्टर से बहुत ही शानदार ग्रोथ है, लेकिन पिछले साल से बहुत ही ज़्यादा फॉल देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी का जो रिजल्ट आया गाइस बहुत ही एवरेज रिजल्ट पेश किया, उतना अच्छा रिजल्ट पेश नहीं कर पाई। इनकम जो है सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एवरेज ग्रोथ हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में बहुत ज़्यादा गिरावट आई। लेकिन प्रॉफिट जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में जो है सो तेजी तो है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है। तो यहाँ पे इसके वजह से कंपनी का ओवरऑल एवरेज रिजल्ट पेश किया है। तो अब हम लोग वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स से पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।